बच्चों आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 का है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, दैट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट बीसी एट डी सच दैट डीबी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सीडी। सी फिगर 6.55। Prove that twice AB square is equal to twice AC square plus BC square। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इसने साइड में एक फिगर दी है, इस फिगर को हम पहले ड्रा कर रहे हैं, फिर फिगर के मुताबिक मैं आपको इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। देखो ये है ए बी सी, यहां से डी है। देखो द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्टस एट डी सच दैट, ट्रायंगल एबीसी है, इसकी जो वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है एडी, किस साइड पे? बीसी पे। और जो ये एडी ये इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को कहां पे? डी सच दैट, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट, ये जो डीबी है ये वाली डिस्टेंस डीबी, इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स सीडी। दैट मींस डीबी और सीडी के दरमियान एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD। ये क्वेश्चन का क्रक्स है, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या मुताबिक कर रहा है, देखो हमसे किस चीज को प्रूव करने के लिए कहा गया है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि ट्वाइस ए बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। देखो पहले हम इसमें जो गिवन कंडीशंस हैं वो हम गिवन कंडीशंस पहले सेटअप में हम इन गिवन कंडीशंस को लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन कंडीशंस क्या है? ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी। A, B, C is a triangle in which AD is perpendicular किस पे है? BC पे इस तरीके से such that DB जो है DB is equal to 3 times CD, ठीक है। ये गिवन कंडीशन है। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दूसरा सेटअप हमें प्रूव करना है ट्वाइस ए बी स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए? ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करनी है, हम डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। देखो हमें प्रूफ करना है ट्वाइस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें देखो इसमें ए बी साइड ये साइड भी इन्वॉल्व हो रहा है, ए बी साइड भी इन्वॉल्व हो रहा है, एसी साइड भी इन्वॉल्व हो रहा है और बीसी साइड भी इन्वॉल्व हो रहा है। जहां तक ए बी और एसी का ताल्लुक है, ठीक है, इन दो ए बी और एसी, ठीक है, इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। अलबत्ता जो हमारा बीसी है, बीसी साइड पे हम काम कर रहे हैं, यहां पे हमारा जो काम होगा, पहला काम हम बीसी पे काम करेंगे। क्यों बीसी पे काम करेंगे? क्योंकि हमें यहां पे जो दो
राइट एंगल्स ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, इन दो राइट ट्रायंगल्स पर हमें काम करना है आगे जाकर बाय यूजिंग द पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास इस ट्रायंगल में डीबी साइड का होना लाजमी है, डीबी साइड का वैल्यू, ठीक है, वैल्यू मालूम होना चाहिए, और इस ट्रायंगल में सीडी साइड का वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक है। इन दो साइड्स को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि डीबी और सीडी हमें किसके बराबर आ रहा है, ठीक है, ओके। वी हैव देखो ये जो बीसी है, बीसी को हम ऐसे लिखते हैं, सीडी प्लस डीबी लिख सकते हैं, यस, बीसी इज इक्वल टू सीडी प्लस डीबी। अब देखो दिस फर्दर इंप्लाइज बीसी जो है, बीसी इज इक्वल टू सीडी, सीडी को हम ऐसे लिखते हैं प्लस, ये जो डीबी है, डीबी गिवन है, डीबी किसके बराबर है, इट इज गिवन दैट डीबी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सीडी। तो हम यहां से चेंज करते हैं, डीबी को हम किससे चेंज करते हैं, 3 सीडी। देखो यहां पे भी हमें सीडी मिल रहा है, यहां पे भी सीडी मिल रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारा काम जो है वो आसान होता जा रहा है। अब देखो दिस इंप्लाइज बीसी इज इक्वल टू 4 टाइम्स सीडी, ठीक है, हमें सीडी चाहिए, ठीक है। इसके आगे क्या है, इट इज मल्टीप्लाइड बाई 4, सो वी मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड्स बाई 4, दिस फर्दर इंप्लाइज बीसी डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू सीडी, ठीक है, और वी कैन राइट सीडी इज इक्वल टू बीसी डिवाइड बाई 4। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट, हमारा जो सीडी है, सीडी वो हमें क्या मिल रहा है, सीडी इज इक्वल टू बीसी डिवाइड बाई 4, ठीक है, ओके। अब देखो अगेन गिवन कंडीशन है डीबी जो है इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स सीडी, ये गिवन है, कोई शक इसमें नो, डीबी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सीडी गिवन कंडीशन है। अब देखो सीडी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहां सीडी का वैल्यू क्या आ रहा है हमें, बीसी डिवाइड बाई 4, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ सीडी इज इक्वल टू बीसी डिवाइड बाई 4, दिस इंप्लाइज डीबी इज इक्वल टू 3 टाइम्स, तो सीडी का वैल्यू क्या है, बीसी डिवाइड बाई 4, बीसी डिवाइड बाई 4, ठीक है। दिस फर्दर इंप्लाइज ये जो डीबी है इट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू बीसी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3bc और 3bc डिवाइड बाई 4 और 3/4 इंटू बीसी। इसको हम दूसरी इक्वेशन सेकंड का नाम देते हैं, ठीक है। तो हमें इस फिगर में, अब देखो हमें इस फिगर में डीबी का वैल्यू भी निकल आ रहा है, सीडी का भी वैल्यू निकल आया, तो हम इसी इन्हीं दो वैल्यूज को इन दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो आप इन, अब मैं ट्रायंगल एडीबी लेता हूं और ट्रायंगल एडीसी लेता हूं, इन दो ट्रायंगल्स में हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। नाउ इन राइट एंगुलर ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगुलर ट्रायंगल, एडीबी यूजिंग पीजीटी, हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे, एबी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर
रियलाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर के साथ हमें कोई लेना देना नहीं। अलबत्ता जो डी बी है, डी बी हम निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू क्या है, इट इज 3/4 इंटू बी सी। तो हम यहाँ पे डी बी जो है, डी बी के बदले हम लिखते हैं 3/4 बी सी, ठीक है, डी बी के बदले। तो इसका अपना होल स्क्वायर है, तो यहां से भी होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो यहां मैंने इसका लॉजिक देना है, बिकॉज बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, using equation second, this further implies ab square is equal to ad square plus 3 3s are 9 4 4s are 16 and b square, call this equation third, ठीक है, equation third. Also in right एंगुलर ट्रायंगल, अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, देखो ए डी सी, ठीक है, ए डी सी ट्रायंगल ए डी सी, अगेन यूजिंग पी जी टी वी ओ टेन, हमें हमारा वैल्यू क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर is equal to AD square plus CD square, ठीक है, this further implies, आप देखो AD square sorry AC square is equal to, ये जो AD square है, AD square हम यहां पे भी छोड़ते हैं, AD square के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, plus CD square, हम CD का value भी हम निकाल चुके हैं, यहां पे देखो CD का value हम निकाल चुके हैं, that is BC divided by 4, so we put this equation, ठीक है, equation first का value हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, CD का value क्या आ रहा है हमें, BC divided by 4, तो यहां पे जो हमें CD है, CD जो यहाँ पे है, CD इस CD के बाद हम लिखते हैं BC divided by 4 और होल स्क्वायर अपना 7 रहेगा, ठीक है। तो यहां से मैं लॉजिक लिख रहा हूं, कैसे आपने इसको किया है, बिकॉज CD जो है इट इज इक्वल टू BC divided by 4 proved in equation first, ये इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव कर चुके हैं हम, ठीक है। दिस फर्दर इंप्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, इट इज बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 4s are 16, कॉल दिस इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब देखो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन की तरफ, हमारी जो फोर्थ इक्वेशन है, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 16, यहां से भी हमें जो इक्वेशन थर्ड है, यहां पे भी ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस 9/16 बी सी स्क्वायर, ये ए डी जो है, ए डी यहां पे भी है और ए डी यहां पे भी है, इस इक्वेशन में भी ए डी है, फर्स्ट इक्वेशन में भी, सॉरी थर्ड इक्वेशन में भी ए डी है, ठीक है। इस AD स्क्वायर की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम इस AD इन दो इक्वेशंस में हम इस AD स्क्वायर को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए देखो यहाँ पे सेम साइन है, यहाँ पे भी सेम साइन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ From equation third to get, हम equation fourth को subtract कर रहे हैं किस equation से, third equation से, ठीक है। तो equation third क्या है, equation third है AB square, this means AB square implies AB square minus
इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए बी स्क्वायर, और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 9 बाई 16 बी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस 9 बाई 16 बी सी स्क्वायर माइनस, यहां से माइनस होगा इसका इक्वेशन फोर्थ का राइट हैंड साइड, और वो क्या है दैट इज AD square plus BC square divided by 16. तो यहां से हम लिखते हैं minus AD square, ठीक है, ये minus हो रहा है तभी हम यहां पे लिखते हैं minus minus BC square divided by 16, ठीक है, यहां से AD square और AD square cancel out हो जाएगा, ठीक है, this implies AB square जो है AB square माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से 9 बाई 16 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर डिवाइड बाई 16, तो BC स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है, BC स्क्वायर हम कॉमन कॉमन लेते हैं, BC स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, तो यहां से हमें क्या बच रहा है 9 बाई 16 माइनस यहां से 1 बाई 16, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज 16 9 माइनस 1, ठीक है, इट इज 8 बाई 16, 8 बाई 16 इनटू बी सी स्क्वायर इंप्लाइज ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल 8 वन इज आर 8 8 टू इज आर 16 इट इज इक्वल 1 बाई 2 बी सी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इंप्लाइज देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है, इस 2 को हम एलिमिनेट कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, आइदर यू क्रॉस मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, मतलब दैट इंप्लाइज ट्वाइस ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी स्क्वायर is equal to BC square, ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है twice AB square is equal twice AC square plus BC square, ये तीनों चीजें हमें इसमें मिल रहे हैं, ठीक है, twice this further implies twice AB square, ये जो है twice AC square, इसको हम ट्रांसपोज करते हैं वहां RHS में, ठीक है, तो वहां ट्रांसपोज करने के बाद ये हमें ट्वाइस एसी स्क्वायर में मिलेगा, ठीक है, और साथ में अपना कौन सा नंबर है दैट इज कौन, ठीक है, दैट इज प्लस बी सी स्क्वायर, यही चीज इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है, हेनस द रिजल्ट, हेनस द रिजल्ट और हेनस प्रूव, हेनस प्रूव, this completes your 14th question, take it, okay.